आज मैं बीजेपी के ऐसे विधायकों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने सरकार के करोड़ों रुपए बचा लिए। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा भैया कौन सा विधायक है जो इस जमाने में कमाने के बजाय बचा रहा, मतलब काम करवाने के बजाय पैसे बचा रहा हो। तो दो ऐसे विधायक हैं, एक महेंद्र पाल सिंह है और दूसरा संगीता यादव है। एक गोरखपुर जिले के पिपराई क्षेत्र से आते हैं तो दूसरा गोरखपुर के जिले के चौरी चौरा क्षेत्र से आती है। जो पहले विधायक है महेंद्र पाल सिंह, वो अपने क्षेत्र में मात्र 12,36,000 रुपए का काम कराए हैं और जो दूसरी विधायक हैं संगीता यादव, उन्होंने अपने क्षेत्र में मात्र 25,00,000 रुपए का काम कराया है। अब मैं बता दे रहा हूं कि इनको कितने रुपए दिए जाते हैं। इनको सरकार की ओर से 3 करोड़ रुपए दिया जाता है। उन 3 करोड़ रुपए का उन लोगों को अपनी विधानसभा क्षेत्र में सड़कें बनवानी होती हैं, नालियां बनवाना होता है, जनता के हित में जो भी कार्य किए जाते हैं, हैंडपंप लगवाने से लेकर खेत की मेड़ पर सड़क बनवाने तक का सारा काम किया जाता है। जो जनता जिसे स्वराज से पास करे या विधायक से कहे कि विधायक ये जरूरत है, वो जनता का विधायक होता है और जनता के द्वारा उनको चुना जाता है और जनता के लिए उनको उन पैसे से काम करना होता है। लेकिन इन विधायक जी लोगों ने अपने क्षेत्रों में कुछ भी नहीं कराया। पहले विधायक ने 12,37,000 का काम कराया और पूरे पैसे बचा लिए। अब ये पैसे क्या होंगे आपको लग रहा होगा, अब ये पैसे आचार संहिता लगने वाली है, इसमें वापस चले जाएंगे सरकार के पास और संगीता यादव जी के पैसे भी वापस चले जाएंगे। मतलब इससे दो चीज साफ साफ पता चल रही है, इससे विधायक की लापरवाही पता चल रही है और अगर ये लापरवाही नहीं है तो शायद उनका क्षेत्र इतना मजबूत हो कि वो अमेरिका जैसा दिखता हो और उस क्षेत्र में काम करने की जरूरत ही ना हो और सारे पैसे वापस करने पड़ रहे हों। और मैं आपको बता दूं, इसको गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए। लोगों जनता त्रस्त होती है अपने काम के लिए, अपने सड़कों के लिए, लेकिन क्या विधायक के पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों का काम कर सकें और पूरा पैसा वापस कर जाएं? दोबारा ये विधायक का वोट मांगने जाएंगे तो उनसे ये सवाल जरूर पूछिएगा कि आपका पूरा पैसा बचा रह गया और आपने काम नहीं किया। आप उनसे ये सवाल जरूर पूछिएगा कि हमारे 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा आपने सरकार को वापस क्यों कर दिए, जो सरकार ने हमारे ही टैक्स से दिया हुआ पैसा था आपको खर्च करने के लिए दिया था। हमारे लिए नालियां क्यों नहीं बनी, हमारे लिए सड़क क्यों नहीं बने, ये पूछिएगा। खैर, ये खबर मैंने हिंदुस्तान से पढ़ी थी और हिंदुस्तान के नीचे यह भी लिखा हुआ था कि महेंद्र पाल सिंह की एक ही परियोजना पास हुई है और 391 जो इनकी योजनाएं जो उन्होंने बना के दी थी वो पास ही नहीं हुई है। यह भी गले के नीचे की फांस बनी हुई है, ये उतर नहीं रहा है। मैं बता रहा हूं कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और आपका परियोजनाएं नहीं पास हो रही हैं, तो या तो परियोजनाएं आपकी इतनी घटिया हैं जिसको अधिकारी पास नहीं कर रहा है, या तो आपकी परियोजनाओं में कोई दम नहीं है। खैर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के ये पहली खबर है कि उसकी परियोजनाएं पास नहीं हो पा रही हैं और उसका काम नहीं हो पा रहा है। खैर, ये काम नहीं करने वाले विधायक हैं, कुछ काम करने वाले विधायक भी हैं जिसमें पहले नंबर पर डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल हैं। इन्होंने खूब सारे काम किए हैं, इनकी सारी परियोजनाएं पास भी हुई हैं और इनके मात्र 2 लाख रुपए ही बचे हुए हैं, बाकी इन्होंने पूरे पैसे जनता के हित में खर्च कर दिए। दूसरे नंबर पर जो विधायक हैं, इसको मुझे पढ़ के बताना पड़ेगा, वो संत प्रसाद हैं, वो खजनी के विधायक हैं। इन्होंने लगभग 2,95,00,000 रुपए खर्च कर दिए। तीसरे नंबर पर बांसगांव के विधायक हैं, इन्होंने 2,63,00,000 रुपए खर्च कर दिए। चौथे नंबर पर चिल्लूपार के विधायक हैं, इन्होंने 2,43,00,000 रुपए खर्च कर दिए। चौथे नंबर पर कैंपियरगंज के विधायक हैं, इन्होंने 2,52,00,000 रुपए खर्च कर दिए। छठवें नंबर पर जो विधायक हैं वो शीतल पांडे हैं, इन्होंने 2,42,00,000 रुपए खर्च कर दिए। सातवें नंबर पर विधायक हैं विपिन सिंह, इन्होंने 2,21,00,000 रुपए खर्च कर दिए। ये सारे विधायक जो कम खर्चा किए हैं, इनसे भी सवाल बनते हैं कि आखिर इन्होंने इतना कम क्यों खर्चा किया है। खैर, ये गोरखपुर से आए हुए विधायक थे, गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, वहाँ पे वो अक्सर आते रहते हैं, हर हफ्ते आते रहते हैं। उनको भी इन विधायकों से पूछना चाहिए। ये गोरखपुर के ही सिर्फ आंकड़े हैं, इससे आगे के आंकड़े भी मैं आपको बताता रहूँगा क्योंकि चुनाव नज़दीक आने वाले हैं। आपको अपने उन विधायकों से सवाल भी
भी करना है, लोगों को बताना भी है कि कौन सा विधायक सही है या नहीं सही है, कौन सी सरकार इस बार चुननी चाहिए या नहीं चुननी चाहिए, क्या क्षेत्र में अच्छा हुआ है या नहीं अच्छा हुआ है, ये आपके लिए चर्चा का विषय रहेगा। इसलिए मैं ऐसे हर शहर के हर जिले के लोगों के बारे में बताता रहूँगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर आप उन क्षेत्रों के निवासी हैं जिस क्षेत्र से ये विधायक आते हैं तो विधायक जी ने कितना काम किया इसके बारे में भी हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मेरा नाम मित्र प्रकाश है और आप ये वीडियो मीडिया लैंड नेटवर्क के माध्यम से देख रहे थे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे थे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इन विधायकों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।